तो वहीं सैनिक लामबंदी पर रूस का कुछ लोगों के लिए छूट का ऐलान हुआ है। कुछ बैंकर्स, आईटी प्रोफेशनल्स और पत्रकारों को छूट दी गई है। पुतिन के 3 लाख रिजर्व सैनिकों की तैनाती वाले बयान से हड़कंप मचा हुआ है। मुल्क छोड़कर पड़ोसी देशों में भाग रहे हैं रूसी नागरिक। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के 3 लाख रिजर्व सैनिक को उतारने के ऐलान से हड़कंप मचा हुआ है। यही नहीं, पुतिन ने हर किसी को सेना में शामिल होने के लिए तैयार रहने को कहा। इसके बाद पूरे देश में युद्ध बंद करने और पुतिन के फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। अब सरकार ने नया आदेश जारी कर सैनिक लामबंदी पर कुछ लोगों के लिए छूट का ऐलान किया है। इनमें बैंकर्स, आईटी प्रोफेशनल और पत्रकारों को छूट दी गई है। यूक्रेन के साथ जंग में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यूक्रेन के मुताबिक करीब 50,000 रूसी सैनिक युद्ध में मारे गए हैं। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन ने पार्शियल मोबिलाइजेशन का ऐलान किया था, जिसमें आम नागरिकों को भी सेना में भर्ती को अनिवार्य बना दिया गया। लेकिन पुतिन के इस ऐलान के बाद बड़ी संख्या में रूसी लोग मुल्क छोड़कर पड़ोसी देश में भाग रहे हैं। रूस से लगते दूसरे देशों के बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। इसके बाद रूस ने 16 से 60 वाले नागरिकों के देश छोड़ने पर पाबंदी लगा दी है। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन जंग को साख का सवाल बना लिया है और किसी भी कीमत पर युद्ध जीतना चाहते हैं।